इस्लाम को जब फैला रहे थे ना, तो हमारे हुजूर के सबसे खतरनाक वाला जो दुश्मन था, तो इसी को माना जाता है अबू लहब को। हमारे हुजूर का जान लेने के ऊपर तुले थे और मतलब जान से मारना चाहते थे, इतना मतलब खराब था। और इसी के ऊपर जो है, हमने पहले बताया था ना, एक सूरह है, अल्लाह ने इसी के ऊपर एक सूरह भी मतलब वो लिखा है कुरान में। कौन सा सूरह? सूरतुल लहब, सूरह का नाम है। और उस सूरह का जब तुम लोग माने मतलब पढ़ोगे, तो उसमें मतलब अल्लाह को, अल्लाह ने अपने उससे, अल्लाह ने मतलब इसमें बोलेंगे। जिसको पता है अच्छे से हाथ खड़ा करके बताओ, कोई बात नहीं, गलत होगा तो बताएंगे हम। बताओ, किसी को भी पता है तो उठ के बताओ। Who is prophet? Prophet कौन होते हैं? पैगंबर तो पैगंबर कौन होते हैं? कौन होता है ये भी तो पता होना चाहिए। बता दे रहे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम इस्लाम को दावत देता मीन्स, जैसे इस्लाम का दावत यानी ये है ईसा मसीह, इस्लाम की दावत नहीं दिए? इस्लाम की दावत तो उसने नहीं दी है ना। किसकी दावत दी है? क्रिश्चियनिटी फैलाई, इस्लाम तो नहीं फैलाई। जो इस्लाम को फैलाते हैं, देखो एज अ मैसेंजर के तौर पे अल्लाह की बात को, अल्लाह की बात को लोगों तक पहुंचाता है, उनको प्रोफेट कहा जाता है। और प्रोफेट हमेशा इंसानी रूप में ही आए हैं, है ना। प्रोफेट दूसरे चीज़ों से नहीं आया, जैसे मतलब मखलूक में इंसानी रूप में आया है, समझ आए। और वो अल्लाह की बात को, अल्लाह की बात को इंसान को करके दिखाता है। अल्लाह की बात क्या करता है? फरिश्ते ले आता है अपने पास, फरिश्ते लेके आता है नबी के पास, फिर नबी उसको डिलीवर करता है। तो वो क्या होता है? एज अ मैसेंजर होता है अल्लाह का। अल्लाह का क्या होता है? मैसेंजर होता है, जो लोगों को करके बताता है। वो बोलता नहीं है। अगर बोल के ही लोगों को समझ आ जाती तो क्या करते? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और लोगों को बोल के चले जाते, लेकिन बोल के नहीं गए वो। अल्लाह अपनी मैसेज को सिर्फ बता के नहीं गए, अपने जो महबूब बंदे, जो प्रोफेट हैं, उनसे करवाया, है ना। अगर सिर्फ बता के करते थे कि चलो बता दो कि मेरी फरमान ये है, नहीं, समझ आई। तो हमारी फरमान ये नहीं है, मेरे फरमान ऐसे हैं। देखो हमारे जो खास बंदे होते हैं वो ऐसा करता है, ऐसे करता है। तो वो प्रैक्टिकली करा नबी ने, जितने भी नबी आए अल्लाह के फरमान को प्रैक्टिकली करा, फिर लोगों ने देखा, फिर उसको फॉलो किया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन इसमें? चलो आगे। तो जो है सबसे आखिरी जो हमारे मोहम्मद है, तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। और उस बीच में सबसे पहले दुनिया के आदम अलैहि सलाम, उसके बाद हमारे मोहम्मद, तो हमारे मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत बाद में आए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब हमारे मौला मतलब अल्लाह ताला ने सिर्फ दो इंसान को ही भेजा, तो इसीलिए उसके बीच में जो है बहुत सारे और भी पैगंबर आए, और भी अल्लाह के रसूल आए पैगाम को देने के लिए। और वो कितने थे नंबर में? 1,24,000 कम हुआ बेश, मतलब ज्यादा भी हुए हैं या कम भी हो सकते हैं, तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है। तो कुरान में यही लिखा हुआ है। तो इतने सारे लोग आए टाइम टाइम पे और दुनिया के लोगों को सही रास्ता दिखाया, अल्लाह का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचाया, सही रास्ते में चलो, अल्लाह को मानो, बुत पूजा मत करो। तो ये सारा ही पैगाम जो है फैलाता रहा टाइम टाइम पे। अलग अलग बहुत सारे पैगंबर आते रहे, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, बहुत सारे हैं। और कुरान में सबके नाम भी नहीं है, कुरान में कम से कम 25 से 26 कुछ इस तरह का ही नाम है पैगंबर का, सारा का नाम भी नहीं, लेकिन इतना है। तो अब जो है, आज जो है हम हमारे मतलब सबसे आखिरी नबी प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बायोग्राफी मतलब जीवनी, मतलब उसका लाइफ में क्या हुआ, कैसे उसने इस्लाम को फैलाया, एक मतलब सीरियल वाइज से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे हुजूर के दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब था। और याद कर लो, मन में रिपीट करोगे उसको, लिखना नहीं है कॉपी में, माइंड में लिख लो। हमारे हुजूर के दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, और ये सबको याद होनी चाहिए। और उससे पहले देखो, हम बोलते हैं ना कि जो कुरैश कबीले से थे, हमारे हुजूर कुरैश कबीले से थे, तो उससे पहले थोड़ा सा अरब की हिस्ट्री पढ़नी होगी, क्योंकि हमारे हुजूर कहाँ पे पैदा हुए थे? अरब में। अरब के कौन से शहर में? मक्का में। तो हम थोड़ा सा पहले और अरब की हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखो अरब जो देश था, अरब कंट्री जो है, सऊदी अरब अभी भी मतलब वो वाला देश है ना, मतलब रेगिस्तान वाला, बंजर। तो वहाँ बंजर देश था, रेगिस्तान वाला, और वहाँ पे क्या होता था, खेती बाड़ी भी नहीं हो सकता था। तो लोगों का दो ही पेशा था, एक तो वो लोग मतलब आदिवासी की तरह वो लोग घूमते फिरते रहते थे, और दूसरा वो लोग तिजारत का काम करते थे, खेती तो बिल्कुल ही नहीं होता था, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत होता है। तो जो है, तो वहाँ के लोग क्या थे, कबीला। कबीला का मतलब होता है ट्राइब, ट्राइब मतलब क्या बोलेंगे, एक जनजाति ग्रुप। हाँ बसता है, कबीला होता है मतलब बहुत जनजाति टाइप से होता है। तो बहुत सारे अलग अलग जनजाति थे, अलग अलग खानदान थे, तो उसको जनजाति बोलते हैं, अलग अलग मतलब बहुत सारे नाम थे। तो लेकिन हुजूर जिस जनजाति से बिलोंग करते थे मतलब, तो उसका नाम है कुरैश, और जिस खानदान से बिलोंग करते थे उसके खानदान का नाम है बनी हाशिम। ये तो कबीला है और ये खानदान है, दोनों अलग अलग चीज़ है।
ये खानदान मतलब खानदान का नाम होता है, दादा से परदादा लेकर चलता आया था, उसको खानदान बोलते, तो उसके खानदान का नाम था बनी हाशिम। तो सबसे पहले हमारे हुजूर के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था और उसकी दादी का नाम था हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन। तो अब्दुल मुत्तलिब के पांच बेटे हुए, हमजा, अब्बास, अबू तालिब, अब्दुल्लाह और अबू लहब। और यहाँ पे मैंने लिखा है अबू लहब मतलब बैड पर्सन, मतलब ये बुरा इंसान था, बहुत ही बुरा इंसान था। मतलब हमारे हुजूर जब इस्लाम को जब फैला रहे थे ना, तो हमारे हुजूर के सबसे खतरनाक वाला जो दुश्मन था तो इसी को माना जाता है, अबू लहब को। हमारे हुजूर का जान लेने के ऊपर तुले थे और मतलब जान से मारना चाहते थे, इतना मतलब खराब था। और इसी के ऊपर जो है, हमने पहले बताया था ना, एक सूरह है, अल्लाह ने इसी के ऊपर एक सूरह भी मतलब वो लिखा है कुरान में। कौन सा सूरह? सूरतुल लहब सूरह का नाम है। और उस सूरह का जब तुम लोग माने मतलब पढ़ोगे तो उसमें मतलब अल्लाह ने अपने उससे अल्लाह ने मतलब इसके ऊपर वो भेजा है, क्या बोलते हैं, लानत भेजा है, बरदुआ भेजा है इसके ऊपर अल्लाह ने खुद, क्योंकि हमारे हुजूर को इसने बहुत ज्यादा परेशान किया था, चाचा होकर भी बहुत परेशान किया था। तो जो अबू तालिब के पांच बेटे हो गए और उन पांचों में जो है अब्दुल्लाह जो है हमारे हुजूर के कौन है, वालिद, और उसके बाद हजरत आमना हमारे हुजूर की कौन है। तो इन दोनों से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई 12 रबीउल अव्वल को हुई। और 500 क्रिश्चियन कैलेंडर में देखोगे जो अभी हम लोग बोलते हैं 1, 2, 3, 4 तारीख, तो उसके हिसाब से देखोगे तो 571 ईस्वी मंडे मतलब पीर के दिन हुई हमारे हुजूर की पैदाइश। अब उसके बाद जो है हमारे हुजूर की जो वफात जो हुई कब हुई, 634 में, जब कितने साल की उम्र में, 63 साल की उम्र में थे तब हुई वफात। वफात मतलब इंतकाल होता है। कोई भी चीज़ अगर तुम लोगों को समझना है या पूछना हो अपने से एक्स्ट्रा तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोई मना नहीं है। और उसके बाद जो है अब्दुल्ला जो है हमारे हुजूर के वालिद थे, तो हमारे हुजूर की पैदाइश से पहले ये मदीने में और 25 साल की उम्र में वफात हो गए थे, मतलब मर गए थे। अब्दुल्लाह डाइड बिफोर बोर्न मोहम्मद, मतलब मोहम्मद की पैदाइश से पहले मदीने में 25 साल की उम्र में वफात हो गए थे। मतलब इसके बाद भी तिजारत करने गए थे हमारे हुजूर के वालिद, और तिजारत जब करने गए थे तो मतलब तबीयत खराब हो गया था, अब किसी कारण से, अब एग्जैक्ट कारण पता नहीं है, तो वहीं पे वफात हो गए पैदाइश से पहले ही। और उसके बाद हमारे हुजूर के जो ग्रैंड फादर है दादा, तो हमारे हुजूर को क्या नाम दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया, नेम्ड मतलब नाम रखा। और फिर हमारे मतलब हुजूर की वालदा मतलब उसकी जो माँ है, उसने हजरत आमना ने अपने बेटे को अहमद का नाम दिया, नेम मतलब नाम रखा, अहमद का नाम रखा, दोनों ने अलग अलग रखा। फिर उसके बाद जो है जब हमारे हुजूर 6 महीने के बच्चे हो गए, तो उसको जो है चाइल्ड माइंडर हलीमा दादी को दे दिया, मतलब जो है दाई को मतलब हवाले कर दिया पालने के लिए, क्योंकि उस वक्त अरब का मतलब सऊदी अरब का एक रूल था, जो बच्चा शहरों में पैदा होता था तो इसलिए उसको गांव में किसी दाई को पालने के लिए दे देते थे, क्योंकि जो है उस वक्त शहर का माहौल बहुत खराब था, वहाँ पे लोग जुआ खेलते थे और उसके बाद जो है गाली गलौज करते थे और अच्छी जवान भी नहीं बोलते थे, बहुत माहौल खराब था, इसलिए गांव में दे देते थे ताकि अच्छे से वो पले पड़े अच्छे माहौल में। तो हमारे हुजूर के वो जो जिस दाई को दिया गया उसका नाम याद रखना हमेशा, दाई हलीमा। और उसके बाद जो है हजरत आमना जो है जब हमारे हुजूर 6 साल के बच्चे हो गए, तो दाई हलीमा ने फिर उसकी माँ हजरत आमना को दे दिया कि तुम अब लो, मेरा टाइम हो गया। और उसके बाद हजरत आमना की जब 6 साल के हमारे हुजूर हो गए, तो हजरत आमना की भी वो हो गई मतलब इंतकाल हो गया। और उसके बाद फिर जो है जब माँ भी मर गया, बाप भी मर गया, तो हमारे हुजूर क्या हो गए, यतीम बन गए। तो उसके बाद इसकी परवरिश किसने की, उसके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। तो फिर उसके जब हमारे हुजूर की उम्र 8 साल की हुई, तो उसके दादा का भी इंतकाल हो गया। अब माँ भी खत्म, बाप भी और दादा भी खत्म, तो इन सारे चाचा में अपने चाचा कौन है, अबू तालिब के अपने दिन है। तो उसके बाद जो है अबू तालिब को मतलब पालने पोसने के लिए हमारे हुजूर को दे दिया, मतलब मोहम्मद ब्रिंगिंग आउट बाय अंकल अबू तालिब, ब्रिंगिंग आउट मतलब पालना पोसना, अबू तालिब के जरिए पाला पोसा गया। फिर उसके बाद जब हमारे तो जो उसके जो चाचा थे अबू तालिब, हमारे हुजूर से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते थे और बहुत लगाव था, और अपने बेटे के जैसा पालते थे हमारे हुजूर को, अपने बेटे के जैसा पाला था। और उसके बाद जब हमारे हुजूर की जब उम्र 12 साल की हुई, मिटा तो उस पर लिखूँ जैसे, और जब हमारे हुजूर की उम्र 12 साल की हो गई, तो दोनों चाचा और भतीजा मिलके मतलब वहाँ के लोगों का मैक्सिमम लोगों का काम ही था तिजारत करना, मतलब सामान को लेना और बेचना। तो बेचना वहाँ पे खजूर का पेड़ होता है ना, खजूर और जो भी सामान होता था थोड़ा बहुत, ऊँट में बैठ के तिजारत का ही करते थे। तो जब पहली बार हमारे हुजूर जो मतलब तिजारत करने के लिए गए थे, मतलब जब 12 साल उम्र था, तब 12 साल की उम्र में तिजारत करने गए अपने चाचा के साथ, तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, मतलब एक कुछ वाकया हुआ था, पता है ना सबको, बताया था पिछली क्लास में, किसको बताया, किसको याद है बताओ, बताए थे जब चाचा के साथ कहाँ पे वो मतलब तिजारत करने के लिए सीरिया गया था, मतलब अरब सऊदी अरब का पड़ोसी देश सीरिया है बगल में है, तो वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे एक किस्सा हुआ था, वाकया हुआ था, क्या हुआ था बताए थे पिछली क्लास में सबको, किसको बताए, पता है किसी को, हाँ पता है, सीरिया में जो मतलब तिजारत करने गए थे तो क्या हुआ था, ध्यान रखना है ये सब चीज को, माइंड में रखना है, बता दो एक बार, चलो बता दे,
तो सीरिया में जब वो लोग जो गए ना, तो वहाँ पे एक पादरी, मतलब क्रिश्चियन पादरी होता है, क्रिश्चियन फादर, तो वहाँ पे जब गए तो देखा हमारे हुजूर को, देखने के बाद जो है उसने मतलब वो दिया भविष्यवाणी की, मतलब बताया कि ये जो बच्चा है ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये मतलब जो है बहुत ही कुछ, बहुत मतलब ये जो है नबी होगा आगे चल के, इसमें नॉर्मल बच्चे की खासियत नहीं लग रहा है, ये बहुत आगे चल के कुछ होगा, बनेगा नबी होगा। और इस फिर उसके चाचा को भी समझाया कि इस बच्चे का ख्याल थोड़ा सा अच्छे से रखना और लोगों के नजरों से थोड़ा सा दूर रखना, क्योंकि इसमें आम बच्चे का कैरेक्टर है ही नहीं, ये नबी बनेगा आगे चल के, यही वाला बात कहा था। वो पादरी का नाम क्या था? बहिरा क्रिश्चियन फादर, उसने ये चीज कहा था। फिर उसके बाद हमारे हुजूर भी पेशे से क्या बने, पेशे का मतलब काम धाम क्या करते थे, तिजारत करेंगे, सब उसका खानदान तिजारत का सिलसिला चला रहा है, तो हमारे हुजूर भी तिजारत मतलब तिजारत का काम करने लगे जब बड़े हुए तो। और उसके बाद जो है ये तिजारत करते थे, तो इसका कैरेक्टर क्या था, बहुत ही कैरेक्टर जो वो था बहुत अच्छा था, बहुत साफ सुथरा था। इसको अमीन लोग क्या बोलते थे, अमीन बोलते थे, और उसके बाद सादिक बोलते थे। अमीन मतलब क्या होता है? अमानतदार। अमानतदार का मतलब होता है जैसे किसी की अमानत हो, पैसे किसी ने दिया उसको कि आप ये मेरा पैसे रखो, तो उसमें खयानत नहीं करते थे। खयानत का मतलब है कि जिसकी पैसा जैसे जैसे जो देते थे वैसे उसको रिटर्न मिलता था, जो पैसे देते थे वही मिलता था। और फिर सादिक भी बोलते थे अच्छे किरदार वाला, बेहतरीन शख्स, मतलब इसका एक अलग ही सच्चा 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 सादिक, हमारे हुजूर का एक अलग, कभी झूठ ना बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, सच्चा इंसान थे, मतलब इसका कैरेक्टर इतना मतलब बन गया था, सच्चा था, अच्छा इंसान था, कि अगर ये कोई बात अगर किसी को बोल दिया ना तो पत्थर की लकीर हो जाता था कि ये इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता है, तो इस तरह का कैरेक्टर था। तो हमारे हुजूर तिजारत करते थे, करते करते बहुत फेमस हो गए कि ये इंसान बहुत अच्छा है और बहुत सच्चा इंसान है, तो बहुत सारे लोग इससे मतलब अपना काम करवाना पसंद करता था। जो बड़े बड़े जो मतलब तिजारत वाले होते थे, तो छोटे मोटे इंसान को देते थे काम ले लो और तुम इसको मतलब बेच के आओ, पैसा ला के दे देना मुझे। तो मतलब मक्का में जो है हमारे हुजूर का एक तरह से नाम फैल गया, ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किरदार वाला है, सादिक है, तो इस तरह से जो फैल गया। तो फिर एक बार मतलब हजरत खदीजा, हजरत खदीजा कौन है? हुजूर की पहली बीवी। तो इसके कान में जब बात आया मतलब एक, और हजरत खदीजा जो थी वो भी क्या थी, वो भी एक तिजारत करने वाली थी, बहुत अमीर घराने से थी, और ये भी तिजारत करती थी मतलब खुद करने नहीं चाहती थी, मतलब पैसा था माल था तो दूसरे से करवाती थी। तो इसको भी एक अच्छा इंसान चाहिए था कि इसके लिए कोई काम करे, तो इसलिए जो है इसके कान में हमारे हुजूर के बारे में सुनने लगी, बहुत हुजूर के नाम फेमस हो गए। तो फिर हजरत खदीजा ने अपने नौकर से, अपने मतलब गुलाम से हुजूर को बुलाया कि उसको बुला के लाओ। जब आए तो फिर हजरत खदीजा ने पहली बार इससे मतलब बिजनेस कराया, तो ये करने गए ना बिल्कुल ईमानदारी से, जितना प्रॉफिट हुआ, जितना भी एक भी तरह से झूठ उठ नहीं बोले, जितना भी नफा हुआ था लाके ईमानदारी से दे दिया हमारे। फिर हजरत खदीजा को इसका जो ये बहुत पसंद आया, उसको एक इंसान की तलाश ही थी कि मुझे कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो बिजनेस मेरे साथ करे मिलके, तो बहुत पसंद आया। तो फिर हमारे जो हजरत खदीजा है उसको पसंद आ गई और हमारे हुजूर जो पसंद आ गई। तो हजरत खदीजा जो थी, पता है ना, दो बार विधवा इंसान थी, मतलब दो बार पहले शादी कर चुकी थी, फिर उसके बाद विधवा बन गई थी, उसका दोनों शोहर वफात हो गया था, और उसके बाद जो है बहुत अमीर थी और बहुत नेक सीरत की थी, बहुत अच्छी इखलाक की थी हजरत खदीजा भी। तो जो हजरत खदीजा को हुजूर पसंद आ गए, तो हजरत खदीजा ने फिर रिश्ता भेजा हुजूर को कि शादी करना, कि शादी करने के लिए रिश्ता भेजा। तो हुजूर तो पहले शौक हो गए, कि शौक इसलिए हुए कि हजरत खदीजा जो है बहुत ही अमीर थी, बहुत अमीर लड़की थी, और हुजूर के मतलब मुकाबले में, मतलब ऐसे देखा जा रहा है दुनियावी मुकाबले में नहीं थी। तो हुजूर पहले मतलब चौंक गए, इतनी अमीर लड़की मतलब मुझसे शादी क्यों करेगी, मुझ जैसे गरीब से। तो उसके बाद जो है फिर कहा हाँ शादी करना चाहती है। तो उसके बाद हमारे हुजूर ने अपने चाचा अबू तालिब से राय मशवरा लेके फिर तो सब एग्री हो गए, तो पहली शादी हुई हमारे हुजूर की। और हमारे हुजूर की टोटल कितनी है, मतलब 11 शादी हुआ था, लेकिन सबसे पहली बीवी कौन है, सबसे पहली बीवी और सबसे मतलब पसंदीदा फेवरेट मतलब हजरत खदीजा थी। हजरत खदीजा जो है हमारे हुजूर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी और इस्लाम फैलाने में भी बहुत मदद किया था।